नाजिक, खुद को संभाल। ये काम कोई और नहीं कर सकता। तू अपनी दुश्मन क्यों बनी हुई है बेटा? इसमें किसी और का फायदा नहीं है, सिर्फ तेरा नुकसान है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है ना बेटा, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। इंशाल्लाह ये भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ने तेरे लिए कुछ और सोचा हो, कुछ बेहतर सोचा हो। मेरा दिल दुखता है तुझे इस तरह से देखकर। मेरी बच्ची, तू समझ रही ना मैं क्या कह रही हूं? आज़र खान, अंदर क्यों नहीं आ रहे? बाहर क्यों बिठा दिया है उसे? यहां भेजे। नाराज हूं मैं उससे, बात नहीं करूं। के वास्ते भूल जा आज़र को, वो सिर्फ एक ख्वाब था बेटा। अब तो असल दुनिया में आ, तुझे आज़र से बहुत बेहतर इंसान मिलेगा, जीवन साथी। मैं तेरी धूमधाम से शादी करवाऊंगी, मेरा वादा है तुझे। पागल हो गई हैं आप? मेरी शादी करवाएंगी? मेरी तो शादी हुई भी है आज़र से, फिर भी मेरी शादी कराएंगी? बिल्कुल पता नहीं आपको तो कुछ भी। शादी हुई भी मेरी, फिर भी आज़र से शादी कराएंगी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज़र आया तुम्हारे साथ? हाँ, बुलाओ ना उससे, अंदर भेजो। कहाँ है आज़र? मेरे साथ नहीं आया और ना ही आएगा, और इस हकीकत को तुम जितना जल्दी तस्लीम कर लोगी तुम्हारे लिए बेहतर है। चुप, बिल्कुल चुप। कोई मेरी शादी करा रहे, कोई कुछ कह रहे, कहाँ है आज़र? बुला क्यों नहीं रहे उससे? इंतजार कर रही हूँ उसका। मम्मी, अब आपको इसको समझाना होगा कि आज़र के ख्यालों से निकल आई है, कोई रिश्ता नहीं रहा इसका उससे। नाजी, बात को समझने की कोशिश करो, हकीकत को पहचानो तुम, प्लीज। इसी में सबकी बेहतरी है, स्पेशली तुम्हारी। समझाने की कोशिश ही कर रही हूँ बेटा। कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने, इसका इलाज कराना जरूरी है। पता है वो आएगा, देख लेना, वो मनाने के लिए आएगा मुझे। तो मेरी बात नहीं मान रही। चेंज कर गया था नाजी, तू जल्दी ठीक हो जा। मैं उससे प्यार करता, वो भी मुझसे प्यार करता। आएगा वो, जरूर आएगा।